हे गाइस, आई एम ब्यूटी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। 10 बज रहा है और मैं जा रही हूँ बाहर किसी काम से। क्या काम है चलिए बाहर जाके मैं बताती हूँ आपको। फिलहाल मेरा हेयर वॉश भी हो गया था, सूख भी गया है, अथर को भी मैं रेडी कर दी हूँ, तो चलती हूँ बाहर। हे गाइस, तो अभी मैं निकल गई हूँ घर से और रास्ते में हूँ। पतिदेव पीछे से आ रहे हैं बाइक से, अथर भी है साथ में, और मैं जा रही हूँ बैंक। बैंक का कुछ काम है। सबसे पहले हम लोग, हो सके तो मे भी सबसे पहले कॉलेज जाएंगे, फिर बैंक जाएंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर का भी एडमिशन करवाना है पार्ट टू वाला, और मेरा कुछ बैंक नहीं है। देखिए गाइस, तो सबसे पहले हम लोग कॉलेज गए थे, सिस्टर को वहाँ पे छोड़ दिए, फिर अभी हम लोग आ गए हैं बैंक और चल रहे हैं बैंक। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ बैंक में और अपना सारा काम कर ली हूँ, जो भी मुझे काम था, तो ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है डन। और यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, बाप रे, हालत ख़राब हो गई थी मेरी थोड़ी देर में, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी। तो जल्दी जल्दी यहाँ से काम करके चलते हैं, और फिर यहाँ से जाने के बाद मैं सोची, आज मंगलवार था, तो मैं सोची ना कि यहाँ पे लड्डू लेते हैं और सबसे पहले पंचमुखी महावीर जी के मंदिर चलते हैं और वहाँ लड्डू चढ़ाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे घर महावीर जी के मंदिर में मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ता ही है। चलिए, तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब दोपहर के 2:30 बज गए हैं और मैं घर आ गई हूँ, मतलब अपनी मम्मी के घर आ गई हूँ। और इतना तेज़ धूप निकला है ना, आप खुद ही देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। और सबसे पहले कॉलेज गए थे, बिकॉज शिवानी को कॉलेज में कुछ काम था, उसको छोड़ के हम लोग चले गए बैंक। बैंक से फिर अभी मेरा काम हो गया है, पैसे का लेन देन हो गया है, फिर घर पर आए हैं। और बैंक में कुछ प्रोसेस भी था, जैसे मेरा 2-3 अकाउंट है, तो 2-3 तो एक्टिव है, एक एक्टिव हो गया था, तो उसको सेट करना था सब कुछ उसमें, तो उसका काम था, तो मैं चली गई थी। देन मेरा काम हो गया है कल, तो अभी मैं आ गई हूँ मम्मी के घर, बट यहाँ पे रुक गई हूँ बिकॉज अथर बहुत जिद कर रहा था कि मम्मा प्लीज़ चलो नानी के घर। तो अथर को मैं पापा के पास ही छोड़ के गई थी, उसको धूप में लेके नहीं गई थी, तो इस वजह से फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। थोड़ी देर अथर यहाँ पर खेल रहा है, हम लोग यहाँ पर खाना पीना खाएंगे, फिर मैं चली जाऊँगी अपने ससुराल। अभी दिन में जाऊंगी और फिर कल शाम में आऊंगी, बिकॉज परसों राखी है और राखी सुबह 7 बजे ही है, इस वजह से मुझे कल शाम में ही यहाँ पर मायके आना पड़ेगा। और फिर हम जब बैंक से निकले तो लड्डू खरीदे, आज मंगलवार है, और गए पंचमुखी महावीर जी के यहाँ, वहाँ पे लड्डू प्रसाद चढ़ाएं और फिर घर पे आए अभी सबके लिए लड्डू लेकर के। तो बस हमारा कुछ ऐसे आज का दिन निकला है, और अभी जा रहे, अभी पतिदेव आए नहीं है घर, अभी आएंगे तो मैं और वो खाना खाएंगे हम लोग, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो बस आप मेरे ब्लॉग में बने रहो एंड ब्लॉग को एंजॉय करो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, ये पैसा आ गया है, इतना सारा राखी का गिफ्ट, यहाँ पे राखी और यहाँ पे भाई। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो, मतलब रील्स बना रहे थे हम लोग, बहुत ज्यादा रील शूट कर रहे थे। अच्छा मोहित, तुम कब से गाना बजा रहे हो ना, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो अभी मैं अपने ससुराल आ गई थी कल रात में ही, लेकिन कल मैं रात को ज़्यादा कुछ सूट कर नहीं पाई थी, और आज मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और आज फिर से जा रही हूँ मम्मी के घर। कल तो मैं अपने कुछ काम से चली गई थी, तो चली गई थी, और आज मैं जा रही हूँ राखी बांधने के लिए। तो आज रात में 9 बजे से लेकर के कल सुबह के 7-8 बजे तक राखी का मुहूर्त है, लेकिन आज रात में हम लोग नहीं बांधेंगे, बट मैं जा रही हूँ आज रात में ही, मतलब अभी 2:01 बज रहे हैं, अभी मैं जा रही हूँ, और कल सुबह मॉर्निंग में हम लोग राखी बांधेंगे। तो चलो के चलती हूँ अभी। तो गाइज, मायके आने के बाद मम्मी को और सिस्टर को लेकर के मैं चली मार्केट, क्योंकि रक्षाबंधन का शॉपिंग करना था। और हम लोग आ गए हैं अभी रामरेखा घाट मार्केट में, तो यहाँ पे मम्मी को जन्माष्टमी के लिए लेना था, वो कृष्ण जी के लिए, कान्हा जी के लिए लेना था पालना पीतल वाला,
तो अभी वो पूजा पाठ वाले दुकान पे हैं, वहीं पे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ से कुछ कुछ सामान खरीदेंगे, राखी खरीदूंगी मैं और कुछ मेरा मेकअप का सामान भी लेना था, तो बस यहाँ से सारी शॉपिंग होगी हमारी। और अभी मार्केट में तो आप देख ही सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ है, बाप रे बाप, सब सब सारे फेस्टिवल आ रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और ये मम्मी का पालना तो अभी हम लोग इसको लेंगे, फिर अथर्व को अगर मार्केट में लेके आ गई तो कुछ ना कुछ तो लेना बनता ही है, ये बिना खिलौना लिए कभी भी जाता नहीं है घर पे, इसको खिलौना ज़रूरी ही चाहिए। तो बस अभी मैं इसके लिए खिलौना ले ली, तो ये डॉक्टर वाला खिलौना चाहिए था इसको इस बार, तो ये अपना डॉक्टर वाला खिलौना ले लिया। और उसके बाद मैं चलूँगी एक, अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ से जाएंगे मैं सोनार के शॉप पे, भी जाना है वहाँ पे भी कुछ काम है, तो बस आप मेरे वीडियो में बने रहो। अभी हम लोग खाएँगे गोलगप्पा। बेटू क्या खरीदवाया है तू, क्या खरीदवाया है? तो यहाँ पे सोनार की शॉप पे आ गए हैं हम लोग। मम्मी बोली कि चलो रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट के लिए और सोनार के दुकान पे कुछ ले लेते हैं, ज़्यादा हैवी तो नहीं पर छोटा मोटा ही, जो ही सही बनता है। मैं आपको बताऊँगी रक्षाबंधन वाली वीडियो में कि मैं क्या लियूँ, क्या गिफ्ट मिला है। तो बस यहाँ से हम लोग लिए, और ये देखो हमारे तरफ का मतलब मार्केट इतना जाम है रक्षाबंधन की वजह से, बाप रे इतनी भीड़ थी कि पैर रखने का भी जगह नहीं था, फंस गए थे आके हम लोग। फिर यहाँ पर अथर्व अपना खिलौना लेकर के आ गया था घर पे, सारा खिलौना देख रहा है कि कैसा है, और ये डॉक्टर बन गया है, इनकी चल रही है शरारत मस्ती। और अथर्व का ना मतलब अथर्व का यार सारे बच्चे लगभग ऐसे ही होते हैं, मार्केट जाओ तो खिलौना दिखेगा तो चाहिए ही चाहिए। तो बस मेरा यहाँ पे सारा काम हो गया है, ये ब्लॉग भी अब एंड ही होगा। कैसा लगा आपको ज़रूर कॉमेंट्स करके बताइएगा। ओके गाइस, तो अभी रात के बज गए 12, और ये देखो मैं मेहंदी लगा रही थी, और ये रक्षाबंधन स्पेशल मेहंदी भाई लिखा हुआ है, आई थिंक उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी, थक गई हूँ, तो बस ऐसे ही नॉर्मल मेहंदी लगा ली मैं। और कल रक्षाबंधन हमारे यहाँ सेलिब्रेट होगा मॉर्निंग में 7 बजे। आप सबके यहाँ कब रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक तो जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक आप लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर चुके होंगे। और अभी मैं मम्मी के घर हूँ, अतु जाओ तुम दूध पी लो, जाओ देखो कैमरे के सामने खड़ा रहेगा, जाएगा नहीं। तो गाइज ये ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। ओके बोल दो बाय। चलो ठीक है, दादी मैं बोल रहा हेलीकॉप्टर है। आए देखो बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है मेरा। चलो ठीक है, चलो जा पी लो। तो गाइज कमेंट्स करके बताइएगा मेरा मेहंदी कैसा लग रहा है, और कल का पता है कल जो, तो गाइज अभी जो मैं कल साड़ी पहनने वाली हूँ रक्षाबंधन में, उसका ब्लाउज स्टिच नहीं हो पाया था, तो मैं अभी जल्दी जल्दी स्टिचिंग कर रही थी, सारा स्टिचिंग हो गया, थोड़ा सा काम बाकी है, तो कल मॉर्निंग मम्मी कर देगी, और उसके बाद ये ब्लॉग में ये पेंट करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।